बाइक में पर हेड 140। बंदे लोग बहुत रूड थे बात करने में। फक, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। नहीं ना, फॉग लाइट नहीं लगाया मैंने, इतना फॉग है ना गाइस। मैं यहाँ पे एक वाटरफॉल है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आज तामिनी घाट। तो अभी बज चुके कुछ 5:30। तो अभी तो मैं गोप्रो यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि थोड़ा अंधेरा रहेगा। तो अभी हम लोग जाएंगे सीधा, मिलेंगे अनिरुद्ध को, वो हम लोग राइड पे है, और मेरे पीछे पिलियन है जो है क्रिश, और वो अभी मिलेगा हमें सीधा पनवेल पे। तो हम अभी जाते पनवेल सीधा, और पनवेल पे मिलते हैं आप लोग से, और उसके बाद तभी मैं जाके गोप्रो चालू कर देता हूँ। तो ये तो बहुत नींद में हूँ मैं मस्त एकदम, क्योंकि अभी जस्ट उठा था कुछ हाफ एन आवर पहले, तक गेट अप किया, कुछ नाश्ता भी नहीं किया अब तक। देखते कुछ पॉइंट पे रुकते हैं, नाश्ता वगैरह करते। तो अभी तो यहाँ पे पूरा एको आवाज आ रहेगा क्योंकि एकदम शांत है अभी। तो गाइस अभी चलते हैं, बाइक पे कोल्ड स्टार्ट देते और निकलते। चलो तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, हमको अनिरुद्ध मिल गया और पीछे आप क्रिश को देख ही सकते हो पीछे। तो अभी हम लोग निकलेंगे सीधा अपने स्पॉट पर। एक सेकेंड, हाँ ये स्टार्ट हो गया। तो लेट्स गो गाइस। अभी सीधा हम लोग को एक ब्रेकफास्ट पॉइंट है जो मैंने राइड के पहले एक बार असाइन किया था मैप पे। तो गाइस अभी हम लोग वहाँ पे सीधा वहीं पे चलेंगे, थोड़ा नाश्ता वाश्ता करेंगे। ये अराउंड कुछ 48 किलोमीटर तो दिखा रहा है मैप पर। तो गाइस चलते हैं, पहले भी आगे सीधा बढ़ते हैं आराम आराम से। चलो पहला सिग्नल ग्रीन मिल ही गया, ऐसे ही मिल गया JNPT का रोड। अभी थोड़ा अराउंड 15 किलोमीटर हमें मस्त है चलाने के लिए, स्ट्रेट टू स्टेट हाईवे है। जो जो नई मुंबई में रहता है उनको तो पता ही रहेगा कि JNPT तो सबसे बेस्ट हाईवे है नई मुंबई के, पूरे मुंबई और नई मुंबई में सबसे बेस्ट हाईवे JNPT है, क्योंकि एकदम लॉन्ग स्ट्रेच है और चलाने के लिए एकदम मस्त है। तो अभी कुछ टाइम हुआ है 6:43, अराउंड एक घंटा मैंने टाइम पास किया वहाँ पे, थोड़ा फोटोज वोटो क्लिक किया, सेल्फीज वगैरह जो इंस्टाग्राम पे अपलोड होगा। तो आज बहुत मज़ा करने वाले गाइस हम लोग, रील वील भी शूट वूट करेंगे हम लोग रुक के। खतरनाक एकदम बारिश हो रहा था इसलिए मैंने गोप्रो ऑफ कर दिया था। अभी मैं एकदम रिस्क लेके गोप्रो ऑन कर रहा हूँ, पूरा पानी लगा हुआ है और एकदम अच्छा खासा बारिश हुआ था। तो अभी जाके मैंने मैप ऑन किया, उसके पहले मैंने देख लिया था, ज़्यादा दूर नहीं था, एकदम सीधा सीधा रास्ता था, अभी भी सीधा ही दिखा रहा है। तो अभी कुछ 40 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग, 30 मिनट में पहुंच जाएंगे, 10 मिनट का तो कवर कर ही लेंगे। ये बारिश था करके हम लोग को स्लो करना पड़ा गाड़ी पूरा। तो गाइस अभी चलते सीधा, अभी हम लोग मिलते हैं आगे सीधा ब्रेकफास्ट पॉइंट पर, क्योंकि मुझे लग रहा है बारिश चालू होने वाला है। चालू हो गया शायद, हाँ हो गया। दिख रहा है यार रास्ता, क्या ही खूबसूरत दिख रहा है, एकदम क्लास। और इतना फॉग है कि वो जो पहाड़ है वो आप कैमरे में कैप्चर ही नहीं होगा शायद, वो इतना फॉग से भरा हुआ है बाबा रे। अभी हम लोग और ऊपर जाएंगे सीधा देखते हैं। और हम लोग आज जा रहे गाइस कुंदाकली वैली, जो लोकेटेड है तामिनी घाट के इधर। तामिनी वाटरफॉल तो नहीं जा रहे अभी हम लोग, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे अलाउड नहीं रहेगा। एक तो पहले से रायगढ़ पूरा एकदम रेड अलर्ट पे ही है और वहाँ पे तो बारिश होना ही है। अभी बारिश है तो फॉग रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है। गाइस ऊपर जाते वक्त सीन देखो क्या लग रहा है, ऐसा था कोई जंगल से जा रहे हम लोग, एक्चुअली जंगल ही है राइट लेफ्ट में। अभी यहाँ से और एक घंटा है, देखते मज़ा तो बहुत आएगा। तो गाइस हम लोग अभी पूरी भाजी आ गए। तो गाइस अभी जस्ट हम लोग का नाश्ता हो गया, पूरी भाजी और कॉफ़ी पी हम लोग। तो ये अभी निकल रहे हैं, तो ये ज़रूर विजिट करना, रास्ते में पड़ता है होटल शालीमार पार्क। और फूड की क्वालिटी की बात करें तो बहुत बहुत अच्छा है, और क्वांटिटी की बात करें तो एवरेज है, एकदम ज़्यादा भी नहीं एकदम कम भी नहीं, ठीक है। हम लोग का पेट भर गया एक पूरी भाजी में, और अच्छा खासा था, लाइट वेट था, ज़्यादा हैवी भी नहीं था। तो चलते अभी, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बॉटल बॉटल बॉटल
चढ़ना एक टास्क। तो एक अच्छा है कि अभी बारिश नहीं है, तो अभी फुल एनर्जी के साथ गाइस चलते आगे, क्योंकि पहले थोड़ा लो लो लग रहा था क्योंकि हम लोग ने कुछ नाश्ता किया नहीं था। मैंने घर से एक बनाना खाया। फक, अरे यार ये भाई बच गया बच गया। हाँ कसम, एक तो एकदम छोटी सी बिल्ली है, इतनी छोटी थी कि गाइस वो दिख भी नहीं रहा था, पर अच्छा हो गया बच गया। बिल्ली थोड़ी बड़ी रहती थी तो उसको थोड़ा पता रहता था कि गाड़ी कब आ रहा कैसा आ रहा है, एकदम छोटी बच्ची के तो क्या पता रहेगा। वाह बारिश भी चालू हो गया, GoPro बंद करने का टाइम आ गया। चेकआउट करो, ऐसे तो हम लोग गाँव में आ गए, पूरी गाँव वाली फीलिंग है देखो, और रास्ता पूरा ऑफ रोड है। मैं तो सोच रहा अभी आगे और हमें ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर क्रॉस करना है होटल शालीमार से, तो वहाँ पे तो नज़ारा और ही कुछ रहेगा। गाइस सीनरी चेकआउट करो यार, क्या ही ऑसम है, बहुत सही। ऐसा लगता है कि यहाँ पे धूप आता ही नहीं है कि बारिश के मौसम में आना ही नहीं है। साइड से जो वाटरफॉल हो रहा है ना, बहुत सही दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कोई और ही कंट्री में आ गए हम लोग। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। तो अभी जो हाफ एन आवर है पूरा यही रहने वाला है, तो एंजॉय करो। तो आपको आराम से चलना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स वगैरह है, गाय वगैरह रास्ते के बीच में होगा, उनको हार्म ना करे। तो ये तो अभी पूरा सीधा सीधा दिखा रहा है मैप पे। चलो गाइस चलते हैं यहाँ से। मैन क्या मस्त लग रहा है नज़ारा। एक बार फॉग चेक करो, इतना फॉग है। नहीं ना, फॉग लाइट नहीं लगाया मैंने, इतना फॉग है ना गाइस, आपको कैमरे में थोड़ा दिख रहा होगा पर रियल में तो कुछ दिख नहीं रहा है। गाइस अगर हम पहुंच गए तामिनी घाट के वाटरफॉल पर, वो पीछे है, और यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया, तो यार आपको वाटरफॉल दिखा देता हूँ। तो ये रहा वाटरफॉल, आपको ठीक से आवाज़ भी नहीं आ रहा होगा मेरा। तो ये तामिनी घाट का जो रास्ते में पड़ता है वो वाटरफॉल है, एक्चुअली घाट यही है, आपको आगे चल के एक बार दिखाता हूँ। अंदर इतना भीड़ है क्योंकि एक तो संडे है इसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा भजी पाव या और चाय वाय पी लिया। तो गाइस पीछे था तामिनी घाट का वाटरफॉल, और आने वाले रास्ते में यहाँ पे एक वाटरफॉल है। चेक करो गाइस क्या ही सेक्सी है ये, बहुत मस्त है। अभी यहाँ पे अपन थोड़ा कंटेंट वगैरह शूट करेंगे, तो यहाँ पे गाड़ी का रोलिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस अगर उन्होंने थोड़ा वहाँ पे जो वाटरफॉल था उधर कंटेंट वंटेंट थोड़ा शूट कर लिया है, तो हम लोग बढ़ रहे आगे कुंडलिका वैली के यहाँ पे। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम पास किया, नाश्ता किया दो बार, तो उन्होंने नाश्ता किया सुबह का ब्रेकफास्ट, थोड़ा नाश्ता हो रहा था। फिर जो मेन घाट था तामिनी घाट का जो वाटरफॉल था उधर उन्होंने थोड़ा नाश्ता किया, फिर आगे आया तो आगे एक वाटरफॉल में, तो वहाँ पर थोड़ा रील के कंटेंट शूट किया। बहुत सही कंटेंट आया गाइस, बहुत सही एकदम सीनरी है। तो आप अगर आपको रील चेकआउट करना है तो ज़रूर चेकआउट करना इंस्टा के पेज पर। तो हम लोग मेरा जो इंस्टा आईडी है वो मैंने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करो और चेकआउट करो, ऑसम ऑसम रील्स है।
है? एंट्री भी, एंट्री भी। कितनी है? 140 पर पर्सन। 140? दो गए बाइक है? तीन लोग हैं ना? बाइक तो दो ही है ना भाई। बाइक में पर हेड 140। गाइस अभी हम लोग विजिट करके आए थे कुंडालिका वैली, पर उधर एक सीन ये है कि उधर एंट्री करने के लिए कुछ पर पर्सन 140 रुपीस मांग रहा है। तो टोटल हम लोग तीन लोग थे, तो उसमें सीन ये हो रहा था। अभी आप देखो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट तो फ्रेम का था और जो कुंडालिका वैली है वो और ऊपर है। तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा फॉग के वजह से, तो ऊपर तो खाक को दिखेगा नहीं। तो हम लोग ऑफ रोड करके जो आगे गए थे कुंडालिका वैली, वहाँ पे थोड़ा पुलिस वाले थे। पता नहीं रियल में लगता है कि नहीं 140 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फी, और लीगली अलाउड है कि भी नहीं वो आइडिया नहीं है। वो किसी को अलाउ कर ही नहीं रहा, बोला था कि 140 रुपीज़ पे कीजिए और जाइए। और दूसरा दिक्कत ये था कि हम लोग के पास अकाउंट में पैसा था, मतलब पेटीएम या जीपे उधर अवेलेबल है नहीं, तो जिसको आना तो कैश लेके आना पड़ेगा। तो ये एक दिक्कत था। और दूसरी बात, एक बार चेक करो ये व्यू, कुंडालिका वैली भी वो एक व्यू पॉइंट ही है, कुछ खास है नहीं वहाँ पे। ऐसा ही कुछ रहेगा नज़ारा, सब घाट टाइप रहेगा ऐसा। तो यहीं पर इतना फॉग है तो ऊपर तो कुछ दिखेगा भी नहीं, तो इसलिए सबका मूड ख़राब हो गया है कि कैश कोई कैरी ही नहीं किया था, सबके जीप पे पेटी में पैसा पड़ा हुआ है। कुछ नहीं दिखेगा भाई अभी, लेक वेक कुछ नहीं। हाँ लेक टाइप ही कुछ तो रहेगा वो, चेकआउट करो वहाँ पे। तो गाइस हम लोग जस्ट अभी पहुँचे हैं यहाँ, जिसका अननोन जगह है, नाम पता नहीं। क्रिश यहाँ पे कपड़े उतारते हुए, और ये वेरी एग्जॉस्टिंग गाइस, वेरी एग्जॉस्टिंग। वो बंदे लोग बहुत रूड थे बात करने में। देखते हैं अभी इधर ही हम लोग नॉर्मल टाइम पास करके अभी हम लोग निकलेंगे घर पे। खाना बचा है, अभी तक खाना नहीं खाया। ऑलमोस्ट फोन की बैटरी डेड होने आई है, तो सी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आगे। क्या होता है क्रिश? सायोनारा गाइस, सायोनारा, पीस आउट, बाय बाय।